सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 5 पंचायती राज का आगे का प्रकरण ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पंचायती राज के बारे में कि पंचायती राज किसे कहते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार स्थानीय स्तर पर जो भी काम करती है उसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला स्तर है वो है ग्राम पंचायत, और हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है। इस चित्र में हमने देखा था कि हरदास गाँव में पंचायत के चुनाव के बाद ग्राम सभा की पहली बैठक हो रही थी। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक, पंच और सरपंच, ये सभी होते हैं। ग्राम सभा अपने गांव की समस्याओं को ग्राम पंचायत के सामने रखती है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आग्रह भी करती है। हमने ये भी समझा था कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है, पैसों का दुरुपयोग करने से रोकती है, और कोई भी गलत काम ना हो इसके लिए वो ग्राम पंचायत पर निगरानी भी करती है। यानी कि ग्राम सभा ही इस पंचायत के कोई भी कार्य हैं उसे स्वीकृति देती है, और तभी पंचायत अपना काम सुचारू रूप से कर सकती है। तो इस तरह से हमने ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का महत्व जाना, उसकी भूमिका, उसके कार्यों के बारे में जाना। अब हम ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में जानेंगे कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है। ग्राम पंचायत गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत करवाती है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सामने अपने द्वारा पूर्व में किए गए सभी कार्यों को रखती है कि हमने ये कार्य करवा दिए हैं, तथा आगे आने वाले समय में ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करेगी वो भी बताती है। तो चलिए हम ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखिए बच्चों कि ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, और उसका मुख्य काम उस क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है, यह भी हमने देखा ही था। तो देखिए बच्चों, नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, और ये हैं महाराष्ट्र के दो पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि इन दोनों पंचों ने अपनी पंचायत क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा उल्लेखनीय कार्य किया था, तो इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए कि ग्राम पंचायत के काम, सड़कें, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव करवाना, ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है। इसके बाद स्थानीय कर लगाना और उन करों को इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। इसके साथ साथ गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना, ये कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। तो ग्राम पंचायत को इन कार्यों के लिए या और भी जो सुविधाएं देती हैं उनके लिए आमदनी कहाँ से होती है, उनकी आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए कि घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से जो राशि मिलती है वो ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। इसके साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, ये भी उनके ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होती है। इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, यानी कि कोई भी संस्थाएँ हैं, समाज सेवी संस्था है, संगठन है, तो वो क्या करते हैं कि उस गांव के विकास के लिए या उस गांव में कोई भी काम करवाने के लिए जो दान देते हैं वो भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होता है। तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं।
अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे निर्माण समिति, तो मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम कौन करेगा? निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य तो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं, तो ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया था। तो हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम की पंचायत की बैठक हुई थी, तब कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। तो देखो बच्चों, ये हमने देखा ही था कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो पंच और सरपंच, इन्हें तो जनता वोट द्वारा चुनती है, और जो सचिव का पद होता है उसे सरकार नियुक्त करती है, यानी उसकी नियुक्ति है वो सरकारी होती है, उसका चुनाव नहीं होता है। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और दो हैडपम्पों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैडपम्प की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे, तो कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। तो इस पर बहुत सारी चर्चा हुई और अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो देखिए बच्चों, आगे हैं कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। तो देखो बच्चों, इससे पहले जब हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी हमने देखा था कि ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई थी, और अभी भी हमने देखा कि ग्राम पंचायत में, हरदास ग्राम जो पंचायत थी उसमें पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम सभा द्वारा जो भी सुझाव दिए गए उन पर विचार किया गया। तो इस संबंध में सरपंच ने भी सुझाव दिया था कि उनकी पंचायत के पास हैडपम्प की देखरेख के मद में कुछ पैसा है और उन्हीं पैसों को काम में लगाया जा सकता है, और इसे सभी सदस्यों ने स्वीकार भी किया और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज भी किया था, यह हमने पढ़ा था। फिर इसके निर्णय के बाद सभी सदस्यों ने इस समस्या के स्थायी हल पर विचार किया और जल संरक्षण के संबंध में यह निर्णय किया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके बाद देखिए कि एक प्रश्न और है कि क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? अगर हाँ तो क्यों? तो देखिए, मुझे भी यही लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे। क्यों? क्योंकि पानी की समस्या है वो पूरे गांव की समस्या थी, और अगली ग्राम सभा की बैठक में जब सदस्य पूछेंगे कि पानी की समस्या के हल के लिए ग्राम पंचायत ने क्या निर्णय लिया, तो इसीलिए इस समस्या पर जवाब देना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती थी। इसके बाद एक प्रश्न और है कि जो ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए, यानी कि हमें एक प्रश्न बनाना है कि जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि पानी की समस्या के स्थायी हल के संबंध में ग्राम पंचायत ने क्या निर्णय लिया है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा है वो नियंत्रित करती है। इसके बाद हम बात करेंगे पंचायत के स्तर की, कि पंचायत के तीन स्तर होते हैं। तो ये हमने इसे पहले वाली वीडियो में भी समझा था कि पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर होते हैं। तो हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ये हमने अभी भी पढ़ा था कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, पंच और सरपंच, उन्हें गांव के लोग हैं वो वोट डालकर चुनते हैं, और ये सदस्य इन्हीं गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी कि कुछ गांवों की ग्राम पंचायतें मिलकर के एक पंचायत समिति बनाती है, और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, और यह तीसरा स्तर होता है। तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, यानी कि जो भी सरकारी योजनाओं के लिए धन स्वीकृत होता है उन्हें पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद है वो सभी ग्राम पंचायतों में वितरण करती है। तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं, और इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे पहले स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर के बारे में जाना। यह हमने पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर पहले भी देखे थे कि सबसे पहला स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, फिर इसका दूसरा स्तर खंड स्तर पर जो कि पंचायत समिति के रूप में होता है, और पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें सम्मिलित होती हैं, और इसी पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है जिला स्तर पर जिला परिषद, और जो जिला परिषद है वो एक पूरे जिले के लिए जिले के विकास के लिए व्यवस्था करती है, और इसी पंचायत समिति के माध्यम से जो भी योजनाओं के लिए सरकारी योजनाओं के लिए धन स्वीकृत होता है उन्हें यह ग्राम पंचायतों में आवंटित करती है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा वो सरपंच कहलाता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रमुख, और जिला परिषद के जो मुखिया हैं वो अध्यक्ष कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पाठ है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।